जैसे हम देख रहे हैं अश्विन के साथ आप आ रहे हैं, आपके हाथ में एक पेपर भी है, तो क्या हम जानना चाहते हैं ये कहीं डाइवोर्स पेपर तो नहीं लेके आ गए आप? डाइवोर्स पेपर मैं हल्दी कुमकुम सेरेमनी में क्यों लेकर आऊंगी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं लेकर आई हूँ। वो पेपर क्या है वो जानने के लिए देखिए पुष्पा इम्पॉसिबल। लेकिन कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, बहुत ही अच्छा पेपर है बेसिकली। इसी वजह से यही रीजन था मेरा माँ के पास आने का हल्दी कुमकुम सेरेमनी में। सो माँ ने डिप्लोमा कोर्स एक किया है और उसमें वो पास हो गई बहुत अच्छे ग्रेड के साथ। सो वो कंग्रेचुलेट करने के लिए दीप्ति और अश्विन आए हैं, एंड उसी दौरान कुछ मोमेंट भी ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे अश्विन और दीप्ति को मिलाने की कोशिश की जाती है गॉड के थ्रू, लोगों के थ्रू नहीं बट गॉड के थ्रू। सो हाँ, ऐसे कुछ प्यारे प्यारे सीन्स आप लोगों को देखने मिलेंगे, अश्विन दीप्ति की केमिस्ट्री भी थोड़ी थोड़ी देखने मिलेगी हालांकि डिवोर्स के बीच में। सो बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन्स हम लेकर आ रहे हैं, सो बी एक्साइटेड। जैसे सीन के हम देख रहे हैं पुष्पा जी स्पीच दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा लाइक भावुक भी हो रहे थे स्पीच सुन सुन के दीप्ति। हाँ, तो कैसा माहौल था उस टाइम? सो बेसिकली वो स्पीच ही इतनी इंस्पायरिंग थी और इतनी मोटिवेटिंग थी कि कोई भी भावुक हो जाए, और वो वुमेन पे थी स्पेशली, और हर व्यक्ति को लेकर थी कि कैसे वो संघर्ष से गुजरता है, एट द सेम टाइम वुमेन की क्वालिटीज़ को लेकर और उनकी राइट्स को लेकर और उनको कौन सी पोजीशन पे रखना चाहिए, कौन सी यू नो इम्पोर्टेंस उनकी स्पेशल जगह देनी चाहिए, उसके बारे में पुष्पा ने यू नो स्पीच दी है। तो वो मैं पूरी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगी, मैं चाहूँगी आप लोग हमारा शो देखें। बट उसी स्पीच की वजह से मैं बहुत ही दीप्ति बहुत इमोशनल हो जाती हैं, और वो बस यू नो सरप्राइज हो जाती है कि हर सेकेंड पुष्पा इंस्पायर कर रही होती है अपने वर्ड्स के साथ, उनकी कितनी अच्छी सोच कि यू नो अश्विन को अपना हस्बैंड बनाना और चौल जैसे घर में सेटल्ड होना, मतलब जबकि वो बहुत ही रिच लाइफ से बिलोंग करती है, फाइनेंशियली मतलब कोई इशू नहीं है, फिर भी उसे ये सब चूज़ किया बिकॉज अच्छी सोच है, प्यार तो है ही बट अच्छी सोच होना भी बहुत ज़रूरी है। सो वही हर दौरान हर वक्त पुष्पा दीप्ति को यू नो इंस्पायर कर रही होती है। ओके, ऑडियंस के लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग हम सीन्स लेकर आने वाले हैं, ट्रैक्स लेकर आने वाले हैं, जो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है देखने में, और आई एम श्योर दीप्ति अश्विन के जो फैंस हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी है। एंड लेट्स सी, कुछ इंटरेस्टिंग ज़रूर आएगा, बट अभी फ़िलहाल डिवोर्स चल रहा है। लेट्स सी, यू गाइस गोइंग टू हैव रियली रियली फन वॉचिंग अ शो। So keep watching Pushpa Impossible.